मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 10 फरवरी 2021 वर्ग प्रथम से दसम वर्ग तक विषय गीता पाठ संस्कृत अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 और 14 पढ़ाई होने जा रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, जो आप लोग पवित्र मन से सच्चे दिल से शांति भाव से सुनिए। गीता पाठ भगवान संस्कृत भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, जो कि सुनने में आपको अनेक लाभ है। आपकी जो भी मनोवांछित फल मिलेंगे सब भगवान की कृपा से ही मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसे शांति से पढ़िए और पवित्र भाव बनाए रखिए। तो हम पाठ शुरू करते हैं बच्चों, अध्याय 2 श्लोक 13 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देहिनो अस्मिन् अन्यथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र नमोहति। एक बार उसको भाव में पढ़िए। देहिनो अस्मि अन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर अस्तत्र नमोहति। अब आप लोग इसका अर्थ को सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जीवात्मा की 3 अवस्था आती है। इस जीवात्मा की 3 अवस्था होती है, पहला बालकपन, दूसरा जवानी और तीसरा वृद्धावस्था। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, उन्हें उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य का जन्म लेना और मृत्यु प्राप्त करना, ये तो संसार परिवर्तनशील है और ये जो है चलता ही आ रहा है। भगवान साफ शब्दों में अर्जुन को समझाए, साफ साफ बात कहे कि संसार परिवर्तनशील है, मनुष्य का जन्म लेना और मृत्यु प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जिस जाति वंश में जन्म लिया जाता है उस वंश में उन्नति प्राप्त होता किया जाता है और अंत में मृत्यु प्राप्त होता है। इस प्रकार से बच्चों श्लोक नंबर 13 का आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अपने भाई बांधवों के प्रति जो आप इतना चिंतित है, चिंता मत कीजिए और युद्ध के लिए वे प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि कौरवों का अहंकार पूरा भरा हुआ है। कौरवों में अहंकार को देखकर भगवान श्री कृष्ण को उपदेश देने के लिए आए। अब आपको श्लोक नंबर 14
बतलाने जा रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 14। आप लोग ध्यान से सुनिए, श्लोक नंबर 14 में भगवान वाच मात्रा स्पर्शास्ति कौन्तेयशीतोष्ण सुखदा दुखदा आगमापायिनो अनित्यास्तामस्ते तिच्छस्य भारतः। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयशीतोष्ण सुखदा दुखदा आगमापायिनो अनित्यास्तामस्ति तिच्छस्य भारतः। इस प्रकार से आप अपने हृदय से और पवित्र भाव से इसको पढ़िए, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि इसमें जो मायाजाल और शोक करना व्यर्थ है, शोक करने की जगह नहीं है। यदि आप शोक करेंगे तो लोग आपको कायर समझेंगे, भगवान यह उपदेश दे रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि धन की 3 गति होती है। पहला क्या होता है? पहला होता है दान, दूसरा होता है भोग और तीसरा होता है नाश। यदि आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, तो गरीबों पीड़ितों को दान दीजिए, धन की सही उपभोग करिए, धन का सही उपभोग किया जाए। विलासता संबंधी में उपभोग मत करें। धन की यदि सही उपभोग नहीं करते हैं तब नाश या विपत्ति का समय आता है। भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि शोक करने की जगह ही नहीं है। भाई बांधवों के से जो प्यार है, प्रेम है, मैं समझ रहे हैं, लेकिन मैं जो इस बात को समझता हूँ, भगवान कह रहे हैं मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन इस समय जो है, युद्ध करना ही श्रेष्ठ होगा। इस प्रकार बच्चों, आप लोग गीता पाठ को पवित्र भाव से पढ़िए, पवित्र मन से लोगों को सुनाइए और श्रवण करने कहिए। गीता पाठ यदि पवित्र मन से आप पढ़िएगा तो आपका मनोवांछित फल प्राप्त होंगे, आपके सारे पाप मिट जाएंगे, आप जो भी काम सोचिएगा आपका सभी काम परिपूर्ण होगा, आपका सभी आपके सभी कामों में सफलता मिलेगी, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। और आप लोग धैर्य बनाए रखना अति आवश्यक है, धैर्य बनाए हुए रखिए, भगवान पर श्रद्धा बनाए रखिए। यही आप लोगों को मैं निवेदन करूँगा कि भगवान की कृपा, भगवान पर आस्था जरूर रखिए। आप प्रतिदिन गीता पाठ पढ़ करके, दो शब्द पढ़ करके आप विद्यालय आइए। इस प्रकार आप लोगों को गीता पाठ के शुभ अवसर पर मैं आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।